जय जिनेंद्र। आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूँ। आइए बढ़ते हैं आज के धार्मिक और सामाजिक समाचारों की ओर। भारत के गुजरात में भगवान शिव का एक ऐसा मंदिर स्थित है जहां वह दिन में एक बार दर्शन देकर समुद्र में गायब हो जाता है। मंदिर में स्थित शिवलिंग का जलाभिषेक खुद समुद्र करता है। यह मंदिर गुजरात के वडोदरा के पास अरब सागर में स्थित है। गुजरात के भरूच जिले में स्थित यह मंदिर समुद्र की तेज लहरों में अपने आप गायब हो जाता है और कुछ देर बाद खुद बाहर आ जाता है। इसका नाम स्तंभेश्वर महादेव मंदिर है। इसमें 4 फुट ऊंचा और 2 फुट घेरे वाला शिवलिंग स्थापित है। बताया जाता है कि इस मंदिर की खोज करीब 200 साल पहले हुई थी। मंदिर में शिवलिंग के दर्शन दिन में केवल एक बार ही होते हैं, बाकी समय यह मंदिर समुद्र में डूबा रहता है। समुद्र तट पर दिन में 2 बार ज्वारभाटा आता है। ज्वारभाटे के कारण पानी मंदिर के अंदर पहुंच जाता है। इस प्रकार समुद्र का पानी दिन में 2 बार शिवलिंग का जलाभिषेक कर वापस लौट जाता है। ऐसा हर रोज सुबह और शाम होता है। ज्वार के वक्त शिवलिंग पूरी तरह से जलमग्न हो जाता है। उस समय वहां किसी को भी जाने की अनुमति नहीं होती है। इस मंदिर का जिक्र शिव पुराण और स्कंद पुराण में भी है। इससे साबित होता है कि यह मंदिर काफी प्राचीन है। स्कंद पुराण में इस मंदिर के निर्माण के बारे में काफी विस्तार से बताया गया है। पौराणिक कथा के मुताबिक ताड़कासुर नाम के राक्षस ने अपनी कठोर तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया और फिर उनसे अमर होने का वरदान मांगा। इस वरदान से इनकार होने पर उन्होंने दूसरा वरदान मांगा। उन्होंने मांगा कि उन्हें ऐसा वरदान दिया जाए कि उन्हें केवल 6 दिन की आयु वाला शिव पुत्र ही मार सके। यह वरदान मिलने के बाद ताड़कासुर ने तीनों लोक में हाहाकार मचाना शुरू कर दिया। राक्षस के आतंक से सभी देवता परेशान हो गए और वे पहुंच गए महादेव की शरण में। इसके बाद शिव शक्ति से श्वेत पर्वत के कुंड में कार्तिकेय पैदा हुए। जन्म लेने के बाद कार्तिकेय ने ताड़कासुर का वध कर दिया। जब कार्तिकेय को यह पता लगा कि ताड़कासुर उनके पिता महादेव का परम भक्त था तो उन्हें काफी बुरा लगा। इसके बाद भगवान विष्णु ने उन्हें एक उपाय बताया कि उस जगह शिवलिंग की स्थापना कर दो और रोजाना माफी के लिए प्रार्थना करो। इस प्रकार शिव भगवान के इस अनोखे मंदिर की स्थापना हुई। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। गणपति क्लब की ओर से 19वां विशाल जागरण 31 दिसंबर 2021 को आयोजित किया जा रहा है और 9 देवी ज्योति संबंधी यह मीटिंग क्लब के चेयरमैन रमेश कौशल की दुकान पर रखी गई, जिसमें क्लब के सभी सदस्यों को उनका कार्यभार सौंपा गया। इस मौके क्लब के सभी सदस्यों ने 31 दिसंबर को होने वाले जागरण की जानकारी दी और बताया कि 31 दिसंबर का जागरण आत्मा चैनल पर सीधा प्रसारित किया जाएगा। जी, मेन मीटिंग जी साड़ी आज 31 दिसंबर, हाँ जी, नवे साल तो आले दिन 31 दिसंबर अज साडा जागरण है जी। 19वां विशाल भगवती जागरण जिहड़ा कि सुरिंदर नगर गली नंबर 3 दे विच मनाया जा रहा है, बड़ी धूमधाम दे नाल, माई दे आशीर्वाद दे नाल 19वां विशाल जागरण, जिहदे विच 9 शक्तिपीठां तों जी जोतां लियाईआं जाईआं जाणगीआं, जिहदे विच मेरे प्रधान जी ढिंगरा साहब, मेरे नाल जनरल सैकटरी ललित महन जी, सैकटरी तमे शबरोल जी, सलाहकार चीकू जी, मेरे नाल कन्नू जी, मेरे मैंबर सारे, तो इन्हां नाल मीटिंग की गई है जी। अभी जय माता दी। गणपति क्लब सुरिंदर नगर वालों 19वां विशाल भगवती जागरण हर साल की तरह बड़ी धूमधाम नाल मनाया जा रहा है, जिस विच तीसरी कलाकार शिव भारद्वाज जी माला गुणगान करेंगे ते लाइव आत्मा चैनल से सारी रात चलेगा 425 नंबर चैनल। तो सारे भक्तों नूं अपील है कि आन ते नवां साल माल चरणा विच बितान। जय माता दी, जय माता दी। लुधियाना से कैमरामैन जसविंदर के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। आज लुधियाना के चंडीगढ़ रोड पर बाबा जसवंत सिंह चौक का उद्घाटन हलका पूर्वी से विधायक संजय तलवार ने किया। इस मौके जानकारी देते हुए प्रबंधकों ने बताया कि बाबा जसवंत सिंह ने लोक भलाई के लिए कई काम किए हैं, जिनकी याद में आज इस चौक का नाम बाबा जसवंत सिंह चौक रखा गया है। इस चौक का नाम आज बाबा जसवंत सिंह जी के नाम विच रखा गया है। सो सारे जो काउंसलर साहिबान हैं, लोकल अथॉरिटीज हैं, उन्होंने बहुत शुक्रगुजार है। ये बड़ा सोहना जेस्चर जो अथॉरिटीज वालों बाबा जी की याद में किया गया है, ये मुबारक है, क्योंकि बाबा जी की जिते रूहानियत तौर पर बहुत एक उच्चा कद, बहुत बड़ी शख्सियत, उत्थे बाबा जी ने मनुखता के भला ले सेवा ले बहुत बड़े कार्य किए, जिते BJ डेंटल कॉलेज की स्थापना की, उत्थे ही हुण इस पासे श्री गुरु अमरदास जी चैरिटेबल हॉस्पिटल की स्थापना बहुत छेती हो जाएगी। सो उन्होंने इन्हों उपरालों मुख रखद, उन्होंने याद में मुख रखद, उन्होंने सेवावान रिकगनाइज़ करते हैं, जो लोकल अथॉरिटीज़ ने यह जेस्चर किया है, बड़ी खुशी है।
और सारिया का इन्हों का धन्यवाद है। इस चौंक की हम जो मेनटेनेंस है वो सतगुरु की कृपा नाल ट्रस्ट वालों होगी और आने वाले समय में इस चौंक का जो एस्थेटिक्स ने उन्होंने संभालिया जाएगा और सुंदरता बनाई जाएगी। सो आप सारे दा आया दा जिस तरह की रूपरेखा तैयार की गई है कितना खर्चा किया जाएगा प्रशासन वालों की सहयोग मिला सरकार वालों जी रूपरेखा है आने वाले समय आप सारे आप देखोगे ये जो अज यह वर्धमान चौंक का नाम जो यदा नामकरण बाबा जसवंत सिंह जी बाबा जी के नाम के उत्ते रखा गया मैं कह उन्होंने मनुखता प्रति सेवावान मुख रखद्या होया इस शहर के पूरे स्टेट ऑफ पंजाब दे विच पूरे हिंदुस्तान दे विच उन्होंने रिकगनाइज करद्या होया लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने यह उपराला किया मैं उन्हां दी शलाघा करदा उन्होंने बधाई दिंदा भी उन्होंने भी अपना नाम जिहड़ा इस सेवा दे विच कार दे विच अपना नाम जोड़ लिया इस चौंक की जो एस्थेटिकली जो देख रेख है वह तो देखे ही बनेगी पर इहदा जो प्रैक्टिकल लाभ है वह बहुत होवेगा लोगों को क्योंकि जिहड़े लोगों ने इलाज कराने वास्ते आना है उन्होंने डायरेक्शन मिल जाएगी भी अस कितों किधरले पासे मुड़ना है जे किसी ने जरूरतमंद ने दूरों आना है उन्होंने पता लग जाएगा हाईवे के उत्तों वो चौंक तो अभी खब्बे मुड़ना या सज्जे मुड़ना सो ये बहुत ही चंगा उपराला है मैं इतने की प्रशासन का और इतने के प्रबंधकों का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ इन शब्दों के आप तो खेमा मांगते हैं वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतह। लुधियाना से कैमरामैन सलमान के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। आज लुधियाना के स्थानक सर्किट हाउस में नवचेतना बाल भलाई कमेटी के प्रधान सुखदीर सिंह सेखो की अगुवाई में एक बैठक का आयोजन किया गया। पत्रकारों से बात करते हुए सेखो ने कहा कि बाल अधिकार और लड़कियों की शिक्षा के लिए विशेष कार्य किए जा रहे हैं और शहर में हो रही बाल मजदूरी और स्कूलों के पिछड़े बच्चों को स्कूलों के साथ कैसे जोड़ा जा सकता है इस पर विचार विमर्श किया जा रहा है क्योंकि जब तक बाल मजदूरी के ऊपर रोक नहीं लगेगी तब तक हमारा देश तरक्की नहीं कर पाएगा। जिहड़ी इन्हां नूं बेसिक नीड्स ने एजुकेशन लई इन्हां नूं असीं प्रोवाइड करके इन्हां नूं स्कूलों विच लैके आउणा ते नाल ही साडे कोल जिहड़ी साडी वर्किंग आ नवचेतना दी इहनूं देखदे हुए चार मैंबर साडे कोल जॉइन होए ने ते नवचेतना दे जिन्ने विंग ने उहनां दे वल्लों इहनां दा ऑनर कीता गया। नवचेतना जिहड़ी वूमन फ्रंट दे विच साडे कोल समीना एंड रमनीक बाला ऐड होए ने ते नवचेतना आर्टिस्ट विंग दे विच साडे कोल अज मोनिका जांगरा जी होए ने ते नवचेतना चाइल्ड वेलफेयर कमेटी दे विच साडे कोल जुगेश लुथरा जी अज ऐड होए ने ते सारे जिहड़े साडे प्रेजिडेंट ने कमेटी दे डिफरेंट विंग दे इन्हां दा अज ऑनर करके इन्हां नूं असीं थैंक्स कीता ते आने वाले टाइम दे विच एज ए टीम जो साडी नवचेतना काम कर रही है ते ओह करदे रहांगे। मकसद साडा इक्को ही है चाइल्ड राइट्स एंड सोशल अवेयरनेस। थैंक यू। करते हैं ऐसे लोग वो विदाउट एनी फेवर करते हैं विदाउट एनी सेल्फ मीनिंग करते हैं। आई रियली अप्रिशिएट देयर वर्क एंड द जॉब दे डू। लुधियाना से कैमरामैन गगन के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। कांग्रेस कमेटी चेयरमैन बलविंदर सिंह मलकपुर गुरमेज सिंह बैस की देखरेख में प्रताप सिंह वाला ब्लॉक मीटिंग का आयोजन किया गया जिसमें 104 सरपंचों ने भाग लिया। इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य गांव में आ रही समस्याओं को जानकर उसका हल करना है और इस मौके वहां मौजूद लोगों द्वारा सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के किए गए कार्यों की सराहना की गई। सो आज की मीटिंग खास करके एबीसी साडे बहुत ही सत्कारयोग कल साडे मुख्यमंत्री साहब लुधियाना विच आए सन उन्होंने बहुत वड्डियां जो साड़िया थले लेबर दिया गल्ला सी जा मजदूर दबके दिया गल्ला सी आटो यूनियन दिया गल्ला सी लाइट संबंधी गल्ला सी रेते संबंधी जो जिन्नियां भी डिमांडा साडे थले लागू हुंदियां ने आम लोगों के निद्दा बाह वास्ता पैंदा उन्हां ते उन्होंने पहरा दिता उहदे विच मैं अपनी हाईकमान का भी बहुत बहुत धन्यवाद दिया जिन्होंने बहुत ही पारखू अख नाल साडे बहुत ही सत्कारयोग चरणजीत सिंह चन्नी नूं सीएम पंजाब बनाया उन्हां दे आण तों बाद पंजाब दे विच कांग्रेस पार्टी का जो ग्राफ आ बहुत तेजी उत्ते वध्या सो उन्हां दे आण नाल जो साडियां विरोधी पार्टियां ने वह भी चुप हो गई ने। सो मैं एक बार फिर अपने समुची ग्राम पंचायत वालों सो अपने ब्लाक वालों सारे कांग्रेस वर्करां नूं हलका गिल तों मैं हाईकमान का धन्यवाद करदा जिन्हां ने बहुत ही साडे बहुत ही सत्कारयोग चरणजीत सिंह चन्नी नूं पंजाब का सीएम लाया असीं बहुत बहुत धन्यवादी हाँ हाईकमान दे। सो जिन्हें सरपंच साहबान आए हैं मैं उन्हों का धन्यवाद करदा अते जिहड़े नहीं आए उन्होंने बेनती करूँगा भी हर महीने कोशिश करो आया करिए समा थोड़ा रह गया इलैक्शन का साल आ
तीन चार महीनों च इलैक्शन होनिया वा, सो आप अपनी पार्टी की भी रणनीति बनाइए, क्योंकि हुण आपां नूं लोकां जाण दा कोई इस तरह नहीं हैगा कि जो कैप्टन वेले आपां नूं थोड़ा जिहा आंदा सी वी कीता कुछ है नहीं, हुण तां कम ही कम होया ते पिंडां च वी आपां बहुत वधिया कम, जिस तरह बेअंत सिंह दी सरकार वेले पिंडां च 83 करंटी खड़कदी हुंदी सी, जिद्दन नूं मर्जी जाओ उही हाल हुण हो गया, बहुत वधिया कम हो रहे आ। सो मैं एक बार फिर सारयां दा धन्नवाद करदा, साडे बहुत सत्कारयोग सरपंच साहिबान जिहड़े छोटे जिहे सद्दे ते पहुंचे आ, उन्हां दा धन्नवाद आ, ते उन्हां नूं कहिणा वी जदों वी तुहानूं बुलाइए तां पहुंचिया करिए, क्योंकि आपां सारे परिवारक मैंबर आ, तां आपां आपणियां कोई भी हुंदियां तकलीफां दुख सब आपां इक रल के चलिया करिए। धन्नवाद, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू। लुधियाना से कैमरामैन जसविंदर के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। आज सिविल अस्पताल लुधियाना में टीवी विभाग राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन पिछले 8 दिनों से पूर्ण हड़ताल पर है और पिछले 8 दिनों से यह धरना लगातार जारी है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रदर्शनकारियों ने बताया कि हम पिछले 20 वर्षों से अनुबंध के आधार पर टीवी विभाग में काम कर रहे हैं और हमारा वेतन बहुत कम है, जिससे हमारे घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में उन्होंने अपनी जान जोखिम में रखकर काम किया, परंतु फिर भी पंजाब सरकार द्वारा उन्हें पक्का नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा पंजाब सरकार द्वारा जहां 36,000 मुलाजिमों को पक्का किया जा रहा है, वहीं टीवी विभाग के कर्मचारियों को भी पक्का किया जाए, नहीं तो आने वाले समय में संघर्ष को और तेज किया जाएगा। कुमार लैब टेक्नीशियन आरएनटीसी टीवी डिपार्टमेंट एनएचएम तो बोल रहे हैं जी, साड़ी कोई डिमांड है जी, पिछले 18 से 20 साल तो अभी लगातार टीवी विभाग में काम कर रहे हैं, तो कई सरकार आई हैं तो कई गई हैं, पर सानू किसी ने भी रेगुलर किया। हुण चन्नी साहब तो सानू आस है, वो कह रहे भी 36,000 मुलाजम पक्का करेंगे, सानू उन्हां तो बहुत आस है कि सानू भी पक्का किया जाए, क्योंकि सानू 18 से 20 साल हो गया डिपार्टमेंट में काम करदे नूं। किन्ने दिन धरना चल रहा इत्थे? धरना साडा 8 दिन तो लगातार धरना चल रहा, बाकी स्टेट का साडा चंडीगढ़ खरड़ चल रहा जी, उत्थे 28 अक्तूबर तो धरना साडा लगातार जारी है। जब तक साडी डिमांड पूरी नहीं हुंदी उदों तक असीं धरना जारी रखांगे। लुधियाना से कैमरामैन गगन के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। तरन तारण पावर कॉरपोरेशन द्वारा पंजाब सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर दफ्तरों में कामकाज ठप किए गए हैं। इस मौके बिजली विभाग के कर्मचारियों द्वारा सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पहले अकाली सरकार और बाद में कैप्टन सरकार और अब चन्नी सरकार द्वारा हमारे साथ झूठे वादे करके हमें भ्रमित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार हमारा बनता हक नहीं दे रही और अगर सरकार ने हमारी मांगों की ओर ध्यान नहीं दिया तो सरकार को आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। 24 घंटे के प्रदर्शन उत्थे चलने, लोगों ने रात भी उत्थे रहना, जे कोई रात उत्थे रह रहा तो ये पावर की मैनेजमेंट साढ़े जेडे CMD साहब वेणु प्रसाद आ, जां साढ़े बिजली मंत्री आ, जेडे मानयोग मुख्यमंत्री साहब को साडा महकमा, ये उन्होंने जरूर सोचना चाहिए भी कोई वजह जानिए। ये अकाली गौरमेंट वेले भी साडा काम लमकदा रहा, तो हुण 4.5 साल जेड़ा कैप्टन साहब ला गए वह भी लमका के चले गए, हुण चन्नी साहब आ गए आ, इन्हां दे समय ते भी लमकिया पिया। साडियां मंगां बिल्कुल वाजब ने, जे वाजब ना होण तां फिर मैनेजमेंट मन्ने क्यों? साडे नाल लगातार मीटिंगां दे विच मंगां मन्नियां जांदियां, साडे नाल वादा कीता जांदा भी इन्नी तरीक नूं तुहाडा जिहड़ा मसला इहदा निपटारा कर दिता जाऊगा, तां फिर उह लारे लप्पे वाली टाल मटोल वाली नीति ते चलिया जांदा ते मुलाजमां नूं मजबूर कीता। अज हालात ये ने भी बिजली बंद हो रही है लगातार, ऐतकी अं सरकार को बेनती करते भी जे सा पे बैंड और मुलाजम दंगा ना मनिया गई तो अं ये मत सोचन, अं हर हल्के पूरे समुचे मुलाजम कल बिजली बोर्ड की जिन्या साड़िया आंगनबाड़ी वर्कर नर्सा रोडवेज सड़क के जिन्हें भी मुलाजम समूह पटवारी वगैरह अं इन्हों के धरने मुजहरे करा पूरे बाजार पिंड पिंड जाके जलूस क्ढा के वोट नहीं पैन देवे, साढ़े मगर भी बड़िया वोटा वा सरकार चलदिया करा जे साड़िया मंगा नहीं मनिया जाएँ, अपील कर रहे साड़िया मंगा छेती ध्यान देकर मान लिया जाए। और पवित्र दिवाली के त्यौहार से उन्होंने कुछ भी नहीं दिता गया सवाई ला रहे तो, इस करके असी विरोध करते हैं सरकार का और असी मुलाजम जथेबंदियों के नाल आ, जो भी कॉल देंगे अज भी नाल आ, और जे पंजाब बंद ही कॉल देंगे सड़कों दे आवेंगे रेलों से आना पूरी रेलों से आवेंगे सदा ही इन्होंने नाल आ, और असी आजाद किसान संघर्ष कमेटी वालों हमेशा तत्पर हाँ और इन्हों के नाल तगड़े होकर मोढ़े ना मोढ़ा लड़ के लड़ाई लड़ांगे। तरन तारण से बलजीत सिंह की रिपोर्ट। फिरोजपुर से विधायक परमिंदर सिंह पिंकी फिरोजपुर छावनी के रामबाग वृद्ध आश्रम पहुंचे।
उन्होंने रामबाग में बनी गौशाला में पशुओं को चारा खिलाया और उनकी देखभाल कर रहे लोगों से मुलाकात की और वृद्ध आश्रम में रह रहे लोगों का हालचाल पूछा। विधायक पिंकी ने वृद्ध आश्रम में चल रहे कार्य के लिए 10 लाख का चेक रामबाग कमेटी को सौंपते हुए रामबाग में चल रहे कार्य को संपूर्ण करने के लिए और राशि देने के लिए भी कहा। परमिंदर सिंह पिंकी ने कहा कि 20 लाख की लागत से पहले सोलर प्लांट लगवाया गया है ताकि वृद्ध आश्रम में रहने वाले लोगों को किसी भी किस्म की दिक्कत ना आए। उन्होंने वृद्ध आश्रम की इमारत के लिए 10 लाख का चेक रामबाग कमेटी के प्रधान हरीश गोयल और सभी मेंबरों को सौंपा और उन्होंने कहा कि जब तक कार्य संपूर्ण नहीं हो जाता वह इसके लिए हर संभव कोशिश करते रहेंगे और जितनी भी राशि की जरूरत पड़ेगी वह देंगे। सच्चे पातशाह की कृपा नाल मैं आया। सच्चे पातशाह ने कृपा की है कि असी यह जो बिरध आश्रम साढ़िया पूरी निगमतावान भैनों के वास्ते बना रहे हैं। ये बिरध आश्रम सब तो वधिया बिरध आश्रम बन रहा बिरध आश्रम बन रहा क्योंकि मेरा पायलट प्रोजेक्ट है। पहला भी मैं इतने 20 लाख रुपया दे के गया सी, उस तो फिर बाद 20 लाख रुपया दे गया सी, अज फिर 10 लाख रुपया दे के चलें। सब तो वड्डी गल हुंदी है कि टू बाय अ कार इज ईजी, टू मेनटेन अ कार इज डिफिकल्ट। इनू मेनटेन किवें करना है, इन्हां दी मेनटेनेंस वास्ते भी साडी सरकार ने 47 लाख रुपए का चैक भेजा सी। जिहड़ा सब तो वड्डी गल सी कि इत्थे बिजली का बिल बड़ा आंदा सी, उहदे वास्ते असीं सोलर सिस्टम लगाया है। ये साडी NGO है हरीश जी दी, जिहड़े सारे फिरोजपुर के लोग मिलकर चलाते ने। असीं पार्टी लैवल तो उपर उठ के चलाने हैं क्योंकि साडा फर्ज बनता है कि जिहड़ियां साडियां बजुर्ग भैणां ने, साडियां बजुर्ग मातावां ने, उन्हां दी हैल्प करना, उन्हां दी सेवा करना। इंसानियत की सेवा करना ही जिहड़ा मनुष्य का सफल, उहदे नाल ही जन्म सफल होंदा। फिरोजपुर से मनजीत सिंह की रिपोर्ट। सभी धर्मों को साथ लेकर राजस्थान के मेड़ता से मीरा चली गुरुधाम के नाम से शोभा यात्रा का शुभारंभ किया गया। यह यात्रा पंजाब के विभिन्न शहरों से होती हुई पंजाब के फगवाड़ा शहर में गुरु रविदास जी के स्थान चक हकीम पर पहुंची, जिसका फिरोजपुर में सभी धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं द्वारा भरपूर स्वागत किया गया। यह शोभा यात्रा फिरोजपुर के बाजारों से होती हुई फिरोजपुर छावनी के रामबाग वृद्ध आश्रम में पहुंची। शांति का संदेश लेकर आई इस यात्रा को सांझी वालता यात्रा के उद्देश्य से निकाला गया। रामबाग वृद्ध आश्रम फिरोजपुर छावनी के प्रधान हरीश गोयल ने बताया कि इस यात्रा का उद्देश्य सभी धर्मों को जोड़ना और आपस में प्रेम भाव से मिलकर चलने का संदेश देना है। उन्होंने कहा कि रामबाग में पहुंची संगत और संत जनों ने भगवान रविदास जी के भजनों का गुणगान करते हुए अपना जीवन सफल किया। मेटा राजस्थान से यात्रा मीरा चली सतगुरु के धाम। मीरा जी के गुरु संत रविदास जी थे, उनका डेरा फगवाड़ा के पास चक हकीम से संत पुरुषोत्तम दास जी ये यात्रा लेकर चले हैं, जो कि 9 दिन पंजाब में घूमेगी और फगवाड़ा चक हकीम के रविदास जी के डेरे पर ये समाप्ति होगी। सर्वधर्म स्वभाव ये यात्रा है। सांझवालता यात्रा का नाम उद्देश्य दिया गया है, जिससे सभी धर्मों को एकजुट करने में सहायता मिले। हम चाहते हैं कि सारा देश एक ही लड़ी में पिरोया जाए और ये यात्रा का मुख्य उद्देश्य भी संतों का यही है। सिर्फ संत ही इस यात्रा में ज्यादा चल रहे हैं, संतों के ही प्रवचन होंगे। फिरोजपुर से मंजीत सिंह की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक, कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए धार्मिक और सामाजिक समाचारों के साथ। तब तक आप बने रहिए आत्मा चैनल के साथ। जय जिनेंद्र। We'll be right back.